लव माई हेयर और अपने बालों के लिए कुछ भी करके मुझे ना बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि कुछ किया आज तो आप। और अभी तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कैमरे के थ्रू टच करके देखो कि कितने स्मूथ हो गए हैं, कितने सिल्की है। आई एम जस्ट इन लव विद देम राइट नाउ। बहुत ही अच्छा स्पा हुआ है और बस मज़ा ही आ गया। मैंने कहा ये लुक तो मेरा रेगुलर है, सिर्फ बालों का जो क्वालिटी है बेटर हो गया है। हाँ, न्यू लुक, यस इट इज़ अ न्यू लुक, सिर्फ अपना जीन्स और टॉप बिल्कुल रेगुलर। बट यार फैंस से बहुत सारा प्यार मिला है एंड नागिन इज़ अ शो जो करके मुझे भी लगा कि वो भी करके बहुत मज़ा आया। बिल्कुल जैसे इसको करके मज़ा आया। इट्स अ न्यू कैरेक्टर जिसमें काफ़ी एडवेंचर रहा है, दीवार कूदना, रस्सी पे चढ़ना, लोगों को भगाना, नाक के सामने ऐसा खड़े होकर आंखें दिखाना, शौक लगा बोला, मज़ा बहुत आया। ओ एंटरटेनिंग तो बहुत हो सकता है, अब यही है कि जैसा राइटर्स लिखेंगे और जैसा वो आगे इस कैरेक्टर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा। यही कुछ क्वालिटीज़, बिकॉज आपने दोनों मेघना देखी थी और मैंने दोनों मेघना एक्सपीरियंस की थी, अब मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो जब मुझे बताया गया कि इसमें ये सब चीज़ें होंगी एंड आई विल बी प्लेइंग अ डिटेक्टिव, तो मैंने कहा ओके दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, आई थिंक लेट्स ट्राई दिस। ऐसा स्क्रीन पर जब फाइनली आया, आई लव माई एंट्री, सो एंड थैंक्स टू द डायरेक्टर्स एंड जिस तरह से उन लोगों ने डायरेक्ट किया और जैसे वो सीन एडिट हुआ और जैसे वो निकल के आया, आई लव्ड इट। Then the entire thing, yeah, I liked it and मुझसे भी ज़्यादा मुझे मेरे खुद एपिसोड देखने के पहले बताने वाले लोग होते थे। मम्मी तो मैं जब घर पहुँचती थी तब बताते थे, बट उसके सिवा लोगों के कॉल्स, इंस्टाग्राम पे अपने VMs, ये सब मैं सीन तभी देख लेती थी एंड I was like okay people are liking it। ऐसे बिल्कुल इस वजह से भी कि now I am a part of Nagin also and और बाकी तो आई थिंक ये स्पेशल बना दिया जाता है, आप सब लोग स्पेशल बना देते हो। यहाँ पे लाके पैम्पर करवाना, ये कोई बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड होगा ना तो करेगा, ये आप लोग करते हो तो इससे तो बर्थडे स्पेशल हो ही जाता है। बाकी आई डोंट नो लोगों के लिए उनका बर्थडे कैसा होता है, फॉर मी माई बर्थडे इज़ लाइक जस्ट अनदर डे। जब तक लोग नहीं कहते ए तेरा बर्थडे आ रहा है, हाँ चल तू क्या गिफ्ट लेगी, सो या देन इट बिकम्स वेरी स्पेशल, सो दैट्स अ गुड फीलिंग। अभी स्टाइलिंग बाकी है, अभी तो हमने सिर्फ ब्लो ड्राई किया है और स्पा पूरा हुआ है, नाउ विल स्टाइल देम और फाइनल लुक आपको तब दिखाते हैं। आई एम गेटिंग बर्थडे रेडी बाय द वे, थैंक यू। Thank you.
अभी तो संगीता इतना अच्छा सरप्राइज मिला है, हेयर कट हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना खास हो गया इस बार का बर्थडे? बहुत बहुत स्पेशल हो गया सरप्राइज, तो मतलब सच में सरप्राइज था, मुझे बिलीव ही नहीं, मतलब सडनली हैप्पी बर्थडे गाना चालू कर दिया, अरे क्या हुआ? बट यार आई एम सो हैप्पी विथ माई हेयर, और मैं बस अपने बालों के ख्यालों में खोई हुई थी कि अभी मैं ऐसे ऐसे स्लो मोशन में भागने में जो बाल उड़े सारे मेरे सपने थे, और सभी सरप्राइज, वाओ सच अ स्वीट सरप्राइज, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। लास्टली व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस बार तो हमने लगता है थोड़ा सा कोशिश की है आपके बर्थडे को स्पेशल करने की, और आप किस तरह से? कोशिश नहीं थी ये, बहुत ज्यादा स्पेशल था ये, थोड़ी सी कोशिश नहीं कहते इसको सेल ये बहुत स्पेशल है, और व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, आपका बहुत प्यार मिलता है, और हमेशा ऐसे ही बस अपनी प्यार और दुआएं ब्लेसिंग्स मुझ पर बरसाते रहिए बस। Lastly, happy birthday! Thank you!